हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो अभी 4 बजकर ये हुए हैं। कैसे करूँ मैं इसको? उल्टा ही दिखाई दे रहा है। 4:16 हुए हैं अभी। देखिए यहाँ पे, ठहरो, दूसरे से दिखाती हूँ मैं। तो अभी 4:16 हुए हैं और मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। तो सबसे पहले तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पे चूल्हे की लिपाई। आज ये ले आई हूँ मैं यहाँ पे मिट्टी। और देखिए चूल्हा कितना काला हो जाता है एक ही दिन में। तो सबसे पहले मैं चूल्हे की लिपाई कर लेती हूँ। और बाहर का सुबह सुबह का 4 बजे का नज़ारा भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, तो ये कर दी मैंने यहाँ पे चूल्हे की लिपाई मिट्टी से। ये है मिट्टी यहाँ पे। अब मैं पानी गर्म होने के लिए रख दूंगी और आग जला लूंगी पहले। तो ये जला दी मैंने चूल्हे में आग। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चौका लगाऊंगी क्योंकि मैंने कल ही करी थी ये फर्श की लिपाई। तो अब मैं चौका लगा लेती हूँ। पानी गर्म होने के लिए रख दिया मैंने। तो देखिए यहाँ पर मैंने चौका भी लगा लिया और चूल्हे में आग भी जला दी है। तो जितने को पानी गर्म होगा उतने को मैं दाल में देख लेती हूँ। कुछ उसमें इसमें तो नहीं है, फिर मैं दाल पाऊँगी, दाल डालूँगी ये उड़द की और चने की दालों की। तो इनमें पत्थर जैसे होते हैं छोटे छोटे। ये देखिए ऐसे पत्थर होते हैं इनमें छोटे छोटे। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। अच्छे से निकालने पड़ेगी। ये देखिए पत्थर। तो मैं फटाफट से अब इनको साफ कर लेती। तो ये है यहाँ पे दाल उड़द की और चने की दलुओं की। और ये है कुकर। तो चूल्हे पे ही रखती हूँ। पानी गर्म हो चुका है, उसको कर लिया मैंने पीछे और कुकर में लगा दी राख। अब चूल्हे के ऊपर ही रखती हूँ दाल को। तो कुकर में डाल लेती हूँ मैं दाल, क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है तो एक हाथ से काम करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं पहले दाल डाल लेती हूँ। तो ये रख दिया मैंने कुकर। ये डाल दिया पानी, ये डाल दिया मैंने नमक, पहले ही डाल दिया। तो ये चढ़ा दिया मैंने ढक्कन। और अब मैं नहा ही लेती हूँ पहले, तब करूँगी और काम आगे। तो ये निकाल दिया मैंने यहाँ पे पानी नहाने के लिए। और अब मैं नहा लेती हूँ और बाहर का नज़ारा भी दिखा देती हूँ आपको। देखिए अभी कितना अंधेरा है और ये हमारे आंगन की लाइट बुझ जाती है 4 बजे के बाद। तो अंधेरा ही अंधेरा है और मैं यहाँ पे अभी अकेली हूँ। तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे साठकला देवता जी है, उनका मुझे ऐसा भरोसा रहता है जैसे आदमी होते। तो अब मैं नहा लेती हूँ फटाफट से। तो मैं नहा गई और देखिए चूल्हे में यहाँ पे आग बुझ गई थी। तो ये भी जला ली मैंने अच्छे से, क्योंकि लकड़ी आगे करनी पड़ती है तो आग बुझ जाती है। तो अब मैं आटा गूंद लूँगी, यहाँ पे धुआं लगा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया और दाल भी पक चुकी है। और मैं आपको अपने भगवान जी के दर्शन भी करा लेती हूँ। मैंने धूप बत्ती भी कर दी। अब जाऊँगी मैं काउ साइड में, पहले पानी ले आती हूँ बाहर से। इसको भी ये पीने का बर्तन है और यहाँ पे ये बाल्टी बर्तन धोने के लिए है।
ये देखिए हमारे पहाड़ों का सुबह सुबह का नज़ारा और आकाश में कितने बादल है। तो अब मैं कंसर्ट में जाऊंगी और आकर के करूंगी काम, ये गायों के लिए इनका दाना। ये गायों का है, ये यहाँ पे कट्टू का है। तो देखिए कितने बादल, आज फिर से बारिश होएगी पक्का। गया जाननिया, तो यहाँ पे दाल कर दी मैंने पीछे और पानी कर दिया आगे, और ये पानी का बर्तन भी रख दिया यहाँ पे, बाल्टी भी भर के रख दी है। अब जा रही हूँ मैं काउसेट में, ये ले ली मैंने बाल्टी। और मेरी बाजू में दर्द होती है तो मैंने सरसों का तेल लिया है थनों में लगाने के लिए। तो अब मैं दरवाज़ा खोल लेती हूँ पहले। तो आ गई मैं काउसेट में, गारू ये है गोरू और ये यहाँ पे कालू है और ये कट्टू है। तो अब मैं फटाफट से धो लेती हूँ और इनको बाहर बांध के तब उठाऊँगी गोबर एक ही बारी में, क्योंकि लेट होने वाली है अभी मैंने। तू मैं कुट्टी देनी तू, ये मैंने कालू के थान साफ कर लिए और इनमें थोड़ा थोड़ा तेल भी लगा लिया क्योंकि मेरी बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो अब मैं इसको धो लेती हूँ, दोनों अच्छे से धोती हूँ फटाफट से। फिर देखती हूँ भला बनती है अगर दोनों हाथों से बिटी हो। तो यानी फोन छूटने का डर है, दूध में अगर फोन छूटा तो फिर से नया लेना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से अब दूध लेती हूँ। तो ये है यहाँ पे, ये मैंने बतीसा पाउडर डाल दिया और ये कैल्शियम डाल दिया। तो ये गायों के लिए है और ये कट्टू के लिए। तो इनको मैंने दाना दे दिया बाहर खाने के लिए और बाहर बांध दिया क्योंकि बारिश का डर रहता है, तो थोड़ी देर हवा में ये खुश रहती है बाहर। तो इनको बाहर दाना दे दिया खाने के लिए और कर दिया बाहर। अब उठा रही हूँ मैं गोबर, क्योंकि गोबर इनका, इनकी साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, नहीं तो ये मच्छर और मक्खियाँ काटती है और फिर बीमार होने का डर रहता है। तो अभी सुबह सुबह इनका पेट खाली है, ऐसे लग रही है कमज़ोर जैसी, ऐसे भी कमज़ोर हो गई है आजकल, इनको घास पानी भी अच्छी तरह से नहीं मिलता क्योंकि घर में चला ही रहता है कोई ना कोई, तो घास काटने के लिए भी बहुत कम टाइम लगता है। और यहाँ पे मैं उठा रही हूँ गोबर, तो बाहर का गोबर मैंने उठा दिया और देखिए कितने ज़्यादा बैर गिरे हैं यहाँ पे, बैर ही बैर हो गए हैं। ये जंगली बैरों का पेड़ है यहाँ पे, इसका हमने खूंटा बनाया है, कालू को बांधते हैं इसमें, तो इसको भी दूसरी जगह पे बांधना पड़ा आज कट्टू को भी, क्योंकि इसकी जहाँ पे इसको बांधते हैं वहाँ पे गिल्ली थी जगह, तो गोबर एक कम था, इसको मैं ले आई अंदर और यहाँ से और भर लूँगी। तो अब मैं अंदर का गोबर भी इकट्ठा कर लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे बहुत बुरे हाल है हमारे काउसेट के, पता नहीं कब तक बनेगी नई काउसेट,
अगर फर्श भी बन जाता इसका तो भी अच्छा था, पर पता नहीं कब तक बनेगा। देखिए कितने बुरे हाल है, यहाँ पे मैं घास वगैरह बिछा के कर रखती हूँ प्लेन पर, तब भी इनको दिक्कत आती है, लेट मतलब लेटने में भी दिक्कत आती है। और आजकल ऐसे भी गौमूत्र बहुत ज़्यादा होता है तो कीचड़ ही कीचड़ हुआ रहता है। तो काउ शेड का काम ख़त्म हो गया, पशुओं को भी बाहर बांध दिया और गोबर भी उठा दिया। अब करूँगी मैं किचन में काम। तो अभी इनको दाना दिया है, घास बाद में देती हूँ। त्याग गई निखा भाई रे बीमार होनी। देखिए यहाँ पे बैरों के ढेर लग चुके, चुग्गी ना कौन है वहां से अच्छे हो, सारे चुग दे तू पा छाड़ने। ये देखिए यहाँ पे हैं कच्चे नहीं आचुक दे। तो यहाँ तक की वीडियो मैंने हिमाचली पहाड़ी कल्चर वाले चैनल पर डाली और पार्ट टू में डालूंगी। एचपी ब्लॉगर लता के नाम से है चैनल, उस पर जरूर जाइएगा और अपना प्यार दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। और ये मामा जी है गांव की, तो ये आ रहे थे हमारे घर में।